बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी हो रही है। आज दोपहर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है। एमएल खट्टर की जगह अब नया नेता चुना जा सकता है। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। और नाम जो सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जो हो सकते हैं, वो है नायब सैनी और संजय भाटिया। इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एमएल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे में ये बड़ा बदलाव हरियाणा में होने जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है मनोहर लाल खट्टर को लेकर। बीजेपी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। ऐसे में अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी की जा रही है। आज दोपहर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं अर्जुन मुंडा और तरुण चुग। और जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में नाम सामने आ रहे हैं, वो है नायब सैनी और संजय भाटिया। इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसे में अब कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नायब सैनी की ये तस्वीर है। साथ इनके साथ एक और नाम जो निकलकर सामने आ रहा है, वो है संजय भाटिया। दो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आज बड़ी बैठक भी होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विकास भदौरिया। विकास, क्या चल रहा है हरियाणा में? खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है एमएल खट्टर को। विकास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। आप प्लीज अनम्यूट करेंगे जी। आपको आवाज मिल रही मेरी? अब जी 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 अब आ रही है, बताएं जी। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब टिकट वितरण पर उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त बीजेपी के नेतृत्व ने ये महसूस किया कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व को लेकर वहां पर बीजेपी के भीतर जबरदस्त उआपो है और जबरदस्त जो है गुटबाजी हो गई है, और यही वजह है कि इसका असर सीधे लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। ऐसी सूरत में बीजेपी नेतृत्व ये मानता है कि अब वहां पर बदलाव की जरूरत है, और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है। आज दोपहर 12 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मौजूद होंगे। उनकी तरफ से नाम रखा जाएगा अगले विधायक दल के नेता के तौर पर, और जो नाम वो रखेंगे उसी पर विधायक दल की सहमति बन जाने की उम्मीद है। हमारे सूत्रों के मुताबिक संजय भाटिया, जो कि करनाल से फिलहाल सांसद हैं, उनका नाम, और इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी का नाम इस पद के लिए सबसे आगे चल रहा है, मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहा है। दोनों गैर जाट हैं और दोनों ही सांसद हैं। ऐसी सूरत में ये माना जा रहा है कि ये दोनों सीटें पिछली बार हरियाणा में जब हरियाणा की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई थी, उस वक्त होल्ड करा दी गई थी, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। आज दोपहर जब ये बैठक होगी तो उसमें ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है।